हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक नए और वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया कि सेल्फ वैक्यूम कैसे करें, ये वैक्यूम कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जब भी हम गैस डालते हैं तो गैस डालने से पहले हम उस यूनिट को वैक्यूम करते हैं, यानी कि उसके अंदर का जितना भी बाहर का एयर होता, हवा होता, उसको हम बाहर खींच के और निकाल देते। उसके बाद सिर्फ जो यूनिट के अंदर जाता है वो हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है, गैस जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है कि हमारे पास हम तो फ्रेंड्स, कई साथी हमारे क्या करते हैं कि सिर्फ वो फिल्टर चेंज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको मतलब फ्लैशिंग कर लेते हैं, और करने के बाद उसमें गैस डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे अगर गैस डाल देते बगैर वैक्यूम किए तो आपका कूलिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल ही नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं, हमारा कंपाउंड गेट जीरो पे है, इसका जो कांटा जीरो पे है। अब इसको हम मशीन यानी कि इसी कंप्रेसर से इसको वैक्यूम करेंगे। तो उससे पहले हमें जो है कि ये जो हमारा चार्जिंग लाइन है, इसको हमें वेल्ड कर लेना है चार्जिंग लाइन वाले में, और जो हमारा कंडेंसर का ये एक्स्ट्रा लाइन देख रहे हैं, कैपिलरी जो लगा हुआ है, इसका आगे का जो मुंह बंद है उसको हमें काट के ओपन कर लेना है, और हमारा जो सेक्शन लाइन उसे भी हमें वेल्ड कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जब ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद हम यूनिट को चालू करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका फुल वीडियो आप देखना चाहते हैं शुरू से एंड तक का, ये तो लंबा वीडियो बन जाएगा, तो किसी और यूनिट पे बना कर हम आपको दिखा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सिर्फ इसमें सेल्फ वैक्यूम को ही कवर किया है कि कैसे करें। तो जैसे देख रहे हैं, हमारा मशीन चालू होते ही ये हमारा कांटा जो है नीचे को जाने लगा, यानी कि ये वैक्यूम मोड में जाने लगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें कितना, अभी देखिए ये कागज़ दिखा रहे हैं, देखिए कागज़ को कैसे उड़ा रहा है, मतलब कि वहाँ से जो हमारा यूनिट है यानी जो हमारा डिफ्रीजर है का कंप्रेसर है, वो खुद को वैक्यूम कर रहा है, जितने बाहर का हवा है उसको खुद ही निकाल के और वो उसको वैक्यूम में ले जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा वैक्यूम करना है तो फ्रेंड्स कम से कम आधे घंटे से ऊपर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये नहीं कि तुरंत ये माइनस में आ गया, वहाँ बंद किए और गैस डालना शुरू कर दिया, तब भी परफॉर्मेंस, कूलिंग परफॉर्मेंस आपका सही नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो करना है, इसको कम से कम आधे घंटे से ऊपर जितना कर लें, 45 मिनट कर लें, तो ये बिल्कुल ही मतलब ये जो कूलिंग परफॉर्मेंस में आपको बहुत ही बेनिफिट देगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस तरह से सेल्फ वैक्यूम कर लेना है, और जो जब आपका 45 मिनट हो जाए, 40 मिनट हो जाए, तो आपका क्या करना है कि कैपिलरी का जो जो ये जो एक्स्ट्रा हिस्सा है जिससे हम वैक्यूम ले रहे हैं, इसको हमें सील कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम और फ्रेंड्स गैस चार्जिंग लाइन को भी हमें गैस डालने के बाद सील कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक